संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन और युवा मामलों के खेल मंत्री और हम सब के बड़े नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं आपका आभारी हूं अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए। आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतना दूर चल के दार्जिलिंग तक पहुंचे, मैं आपका इस पवित्र धरती पे स्वागत करता हूं। और हम सबकी जानकारी में होगा, आपके पास फाइनेंस और कॉरपोरेट मामलों के भी राज्य मंत्री रहे हैं, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैं भी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ और तीसरी बार लगातार युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लगातार चुने। और आपके कार्यकाल को आज भी जब मैं देश भर में घूमता हूँ तो हमारे युवा कार्यकर्ता और देश भर की जनता उस बात को उल्लेख करती है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही आज इस कार्यक्रम में मंच में हमारे साथ सिलीगुड़ी के विधायक और जुझारू नेता शंकरदा उपस्थित हैं, हमारे सबके लोकप्रिय जिला अध्यक्ष हमारे अरुण मंडल जी उपस्थित हैं, और अभी हाल ही में हमारे जिस क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हैं नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा के विधायक आनंद बर्मन जी भी उपस्थित हैं, और फांसी देवा के हमारे विधायक दुर्गा मुर्मू जी भी उपस्थित हैं। और साथ ही सिलीगुड़ी के वरिष्ठ नागरिकगण और संघ संस्था और विभिन्न सामाजिक कार्य में जुटे हुए लोग यहाँ पे मौजूद होते हुए फुलबारी और वापस से जलपाईगुड़ी में जाके ओतलाबारी तक मिलेगी, यानी किसी भी ट्रक को जिसको बिहार से आसाम जाना होगा उसको सिलीगुड़ी इंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसके कारण शहर फैल जाएगा और जो अभी कंजेशन है वो भी डीकंजेशन होगा और सिलीगुड़ी और तेजी से आगे बढ़ेगा। तीसरी बड़ी समस्या पीने की पानी की थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने सिर्फ सिलीगुड़ी शहर के यानी कॉरपोरेशन इलाके के लिए 500 करोड़ रुपए अमृत 2 के अंतर्गत जो है पीने की पानी के लिए दिया है, और 250 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और ड्रेनेज का काम भी चल रहा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 3500 करोड़ रुपए सिर्फ पीने की पानी के लिए मिला है। फुलबारी से लेकर सिलीगुड़ी तक काफी, क्योंकि बॉर्डर बांग्लादेश जाना पड़ता है ट्रक को, गाड़ियों को, वाहन को, इसके लिए 750 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनेगी। और इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं 3 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है और एनजीपी स्टेशन 350 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्नाइजेशन का काम भी चल रहा है। कालिम्पोंग जाने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे 717A लगभग 90% बन के तैयार हो चुका है, और सिलीगुड़ी से बैठ करके रंगपू यानी सिक्किम के बॉर्डर तक 42 किलोमीटर का 12,000 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बन रही है, जिसका काम करीब करीब 60% हो चुका है। भविष्य में जाकर के रंगपू के बाद गैंगटोक, गैंगटोक से फिर वापस से जाकर के नाथुला तक आप सिलीगुड़ी से ट्रेन में बैठ करके पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही बिजनबाड़ी और कालिम्पोंग को भी जोड़ने की योजना है, और पर्वतमाला की योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम यहाँ पे अभी होने हैं। सो ये कुल मिला के कुछ चीजें मैं आपके सामने रखा हूँ, और इन सब योजनाओं को पूरा करना है और भविष्य में अगले 5 साल के लिए मेरे मन में और कुछ योजनाएं, विशेष करके स्वास्थ्य की हालत हमारी इस पूरे क्षेत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की अनदेखी तो है ही, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की अवस्था देखते हैं, कोई मरीज वहां ठीक होने के लिए नहीं जाता, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है हमारी जनता के पास वो बाहर के अस्पताल को अफोर्ड कर सके, इसके लिए काम करना है। और मुझे बताते हुए खुशी है 120 बेड का ईएसआई का अस्पताल बनके सिलीगुड़ी में तैयार है, और 500 बेड का ईएसआई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हो चुकी है, वो चुनाव के बाद उसका भी काम शुरू होगा। तो इसी तरह जिला के जितने भी स्वास्थ्य हमारे अस्पताल है उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना है, और ब्लॉक लेवल के अस्पताल को भी जो है ठीक करना है। इसके साथ ही प्राइमरी अस्पताल जो है छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में उनको ठीक करना एक मेरा अगले 5 साल का एक बड़ा एजेंडा रहेगा। उसके साथ ही शिक्षा, पूरे बंगाल में 800 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर को देने के लिए पैसा नहीं है, और इसके कारण विद्यार्थी जो है शिक्षा से दूर होना पड़ रहा है। सो शिक्षा एक दूसरा क्षेत्र रहेगा, और मेरी इच्छा ये भी है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, और दार्जिलिंग जाना जाता था किसी समय में एजुकेशन हब के नाते, लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसे इंस्टीट्यूट
बचे नहीं है, वापस से केंद्र के कई सारे इंस्टीट्यूट लाने की मेरी योजना रहेगी। और तीसरी बड़ा काम रहेगा कि युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे चाय हो, टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारे पास सेक्टर है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्योंकि यहाँ चार इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। और किसी ये रोलेक्स की घड़ी आज हम देखते हैं, खैर, क्योंकि यहाँ चार इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं और किसी ये रोलेक्स की घड़ी आज हम देखते हैं, खैर ये तो नहीं है, लेकिन आपको जानते हुए ये खुशी होगी, आजादी से पहले कलकत्ता के बाद रोलेक्स के घड़ी जो है पेदोंग और कालिम्पोंग मिलता था, सिल्क रोड होते हुए वहां से चाइना और तिब्बत जाता था। तो उस घड़ी मां को पुनः स्थापित करना है और इसको जो है ट्रेड हब बनाने का एक मेरा उद्देश्य भी रहेगा। और इन सब कारणों से युवा को रोजगार मिले। आज ये जो चिकन नेक है, यहाँ सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, इसके कारण हमारा युवा भटका हुआ है, उसको सही रास्ते में लाना है और उसके लिए उसको शिक्षा और साथ ही उसको रोजगार देना बहुत अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बहुत सारे संघ संस्था हमारे गोरखा समाज के भी यहाँ पे उपस्थित है, उनके भी दो राजनीतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, उनके क्या तमाम इस क्षेत्र दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता की वो मांग है, उसकी भी पूर्ति 2024 से लेकर 2029 के बीच होगा। मैं अंत में फिर आप सबका बहुत आभारी हूँ, आपके स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए और आपका विश्वास के लिए, और आप विश्वास बनाए रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। To ensure a sustainable source of livelihood for farmers, the BJP will increase PM Kisan assistance from Rs 6,000 to Rs 9,000 per year, sanction Rs 500 crore for Sikkim Agri Infra Mission. This 19th April, vote for BJP. सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है, ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है, वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर।